स्वामी जी, अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि एक 80 वर्षीय संत संतासाराम जी बापू हैं, आप युवा वर्ग से जुड़े हैं, एक जवान संत हैं आप, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश नहीं हो रही संतासाराम जी बापू के खिलाफ? जैसा मुझसे पूर्व परम श्रद्धेय राघवाचार्य जी महाराज वेदांति जी ने कहा कि ये षड्यंत्र है, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। शंकराचार्य, जगत गुरु से लेकर अन्य कितने ही संतों पर ऐसे आरोप लगे, वे आरोप कुछ दिनों में न्यायपालिका पर विश्वास है और उससे बड़ा विश्वास हमें परमात्मा पर है जिसकी आराधना करते हैं। आपको एक छोटी सी बात उदाहरण देता हूँ, आप जहाँ खड़े भी इस आश्रम में या पूरे कुंभ में आप भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कितने ही आश्रम हैं जहाँ प्रतिदिन 30,000 से लेकर और 1,00,000 भगत प्रसाद पा रहे हैं, बिना शुल्क के निःशुल्क प्रसाद पा रहे हैं। ये क्या है? ये संतों का भजन और तप का प्रभाव है। कोई बानिया, महाजन, कोई सेठ, कोई कंपनी ने लगा रखा है ऐसा भंडारा? कोई लगाता है कहीं? कहीं नहीं चल रहा है ऐसा अन्न क्षेत्र अन्नपूर्णा की व्यवस्था। ये संतों का तप है, तो संतों का तप भजन ये भगवान तक पहुंचा हुआ है। कहीं कुछ समय का कोई कष्ट है, ये निकल जाएगा और उसके बाद बापू भी आपको यहाँ नजर आएंगे, शंकराचार्य जैसे नजर आए, अन्य कितने संत जिन पे आरोप लगे वो वापस से सब हम लोगों के बीच वापस से कृपा प्रदान कर रहे हैं। और जो उन्होंने काम चलाया आप उनकी भी तो चर्चा करें, आसाराम बापू ने कितनों को वापस अपने घर लाए जो भटक गए थे, अन्य धर्मों की ओर चले गए थे, भले वो ईसाई हो, भले वह मुस्लिम हो, भले अन्य कहीं और मानते हो, सब लोग वापस आ गए। लोग मनाते थे वो वैलेंटाइन डे, हाँ, उसको मात पिता पूजा, कितना अच्छा ये त्यौहार शुरू किया कि भाई अपने माता पिता की पूजा करो विशेष दिन। हम लोगों के प्रति तो माता पिता रोज ही प्रणाम करने योग्य हैं, पहले भगवान बोलते हैं कि माता पिता हैं, दूसरे हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रारंभ किया, उनके विद्यालय देखे, आप उनकी सेवाएं देखे। हाँ, आप किसी ने कुछ भी हो सकता है उनको बदनाम करने के लिए कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, उनको उनकी छवि खराब करने के लिए कुछ कर दिया होगा, बहुत सारे संतों के लिए किया, करते ही रहते हैं, ये तो इनका तो काम है निरंतर, इनको तो इसी बात का पैसा इकट्ठा किया जाता है और यही योजना बना के षड्यंत्र धरा जाता है कि हमारे सनातन संत जितने भी हैं उनकी छवि को धुलमिल किया जाए। लेकिन कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है, साल, दो साल, तीन साल, न्याय पर विश्वास है और परमात्मा के न्याय पर विश्वास है और हमारे भजन और तप पे विश्वास है, उस विश्वास के दम पर वापस संत हम सबके बीच नजर आएंगे।